वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने आपको एडिशन कराए थे, वो नंबर लाइन के थ्रू करवाए थे. आज हम एडिशन करेंगे रीग्रुपिंग के द्वारा. स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा हार्ड है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा. तो देखिए, एडिशन करते हैं. लास्ट हमने 20 तक एडिशन करे थे हमारे, लेकिन जो अब हमारे एडिशन है वो है हमारे 100 तक के डिजिट के. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है टेंस एंड वंस. तो यहाँ पर डिजिट दी हुई है, फर्स्ट कौन सी दी हुई है 4646, और दूसरी डिजिट है 2424. तो इसको आप हमको ऐड करना है. यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन मीन्स हमें यहाँ पर डिजिट को, दोनों डिजिट को आपस में ऐड करना है, प्लस करना है. तो देखिए, सबसे पहले हम जब हमने 20 डिजिट वाले करे थे उसमें भी हमने पहले वंस वाला साइड सॉल्व किया था, देन टेंस वाला साइड सॉल्व करा था. तो ऐसे ही सेम इसके अंदर भी हमें वैसे ही करना है. कितना यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 और 4. तो ये दोनों ही सिंगल डिजिट है, मीन्स वंस वाली डिजिट है ये. तो इसको हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे. तो फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है स्टूडेंट्स, 6 है. तो देखिए, हम इसको स्टिक ड्रॉ करके करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. और नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या है, 4. तो देखिए, 1 2 3 4, इसको हम फिर एक साथ काउंट करेंगे. तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. स्टूडेंट्स, 6 + 4 = कितने हुए, 10. तो स्टूडेंट्स, 10 हम कैसे राइट करते हैं, 1 0 10. तो टेंस का जो हमारा प्लेस वाली डिजिट है उसको हम प्लेस वाली डिजिट पे ही राइट करेंगे. तो प्लेस वाली वो वंस वाली प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 0. एंड जो दूसरी डिजिट हमारी टेंस वाली है वहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1. ये 1 हमारा कैरी में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी साइड, मीन्स टेंस वाली प्लेस पे, ठीक है. तो देखिए, अब हम इसको टेंस वाली प्लेस को तीनों को एक साथ काउंट करेंगे. तो देखिए, यहाँ पर कितना राइट है स्टूडेंट्स, 1 1 हमारी कैरी आई है. और यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स, 4. तो देखिए, 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर ली. साथ में नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी, 2. तो 1 2, और 1 हमारा ऑलरेडी कैरी में है, तो ये भी हमारा साथ में प्लस होगा क्योंकि ये टेंस वाली प्लेस पे आ गया. तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 4 + 2 6 और 1 7. तो 46 + 24 = कितना आ गया स्टूडेंट्स, 7 0 70. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ इसको. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9, और नीचे क्या दी हुई है, 4. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया पहले हम वंस वाला प्लेस वाले सॉल्व करेंगे, देन हम टेंस वाली प्लेस वाली सॉल्व करेंगे डिजिट. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो हम 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और दूसरे प्लेस पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 4. तो देखिए, 1 2 3 4. अब हम इसको पूरा एक साथ काउंट करेंगे. तो 9 तो यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर है, 9 के बाद हमें कितना काउंट करना है, 10 11 12 13. 9 + 4 = 13. तो देखिए स्टूडेंट, 13 कैसे राइट करते हैं, 1 3 13. जो वंस प्लेस वाली डिजिट है वो वंस प्लेस पे चली जाएगी, और जो टेंस वाली प्लेस वाली डिजिट है वो कहाँ चली जाएगी, नेक्स्ट डिजिट के ऊपर, मीन्स एज अ कैरी. ओके स्टूडेंट्स, और हमें कितना काउंट करना है, यहाँ 3 देन 2. तो 3 स्टिक ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, और नीचे कितनी है, 2 1 2. तो इसको हम एक साथ काउंट करेंगे विद कैरी. तो देखिए, 1 2 3 4 5 6. तो 3 + 2 = 5 और 1 6. सो आंसर इज 63. 6 tens and 3 ones. ओके स्टूडेंट्स, इसको भी हम एक और एग्जांपल समझेंगे जिससे आपको अच्छे से और भी समझ आ जाए. तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको बताया अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस वाली प्लेस से. तो देखिए, वंस वाली प्लेस पे डिजिट कौन सी दी हुई है, 7 and 5. तो पहले हम 7 स्टिक ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. ओके स्टूडेंट्स, देन 5. तो देखिए, 1 2 3 4 5. ओके स्टूडेंट, इसको हम एक साथ पूरा काउंट करेंगे. स्टूडेंट्स, इसको हम फिंगर पे भी वो लर्न कर सकते हैं. देखिए, ऊपर डिजिट कितनी थी, 7. तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7. साथ में दूसरी डिजिट क्या है हमारी, 5. उसके बाद काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5. अब हम इसको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 7 + 5 = कितने हुए, 12.
और इसको हम लाइन ड्रॉ करके देखा था हमने, देखो 7 ऊपर थे, 7 8 9 10 11 12, तो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, तो 12 के साइड करते हैं स्ट्रेंथ 1 टू 12, तो वंस वाले प्लेस की जो डिजिट है वो वंस वाले प्लेस में चली जाएगी, और टेंस वाले प्लेस की जो डिजिट है वो कहाँ चली जाएगी स्ट्रेंथ एज अ कैरी। तो देखिए इसको हम काउंट करते हैं, यहाँ कितना दिया हुआ है स्ट्रेंथ 4, इसको हम फिंगर पे करेंगे 1 2 3 4, और साथ में नीचे कौन सी डिजिट दी हुई है 3, 1 2 3, और ऊपर कैरी है हमारी और 1, तो इसको अब हम एक साथ काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके बता सकती हूँ मैं आपको, 1 2 3 4, नीचे डिजिट क्या दी हुई है 3, 1 2 3, और एक 1 का है जो कैरी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 4 + 3 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 8, तो आंसर इज 82। ओके फ्रेंड्स, आपको ये जो एडिशन है विद रीग्रुपिंग विद कैरी मतलब, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको इसकी बुक की एक्सरसाइज हुई है पेज नंबर 83 और 84 पे, आपको ऐसी स्ट्रिक ड्रॉ करके उनको कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।